नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जेपी इंजीनियरिंग वर्क्स क्वाचा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 446 ITR पेज नंबर 563 पे रिपोर्ट हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और ये मैटर 8 फरवरी 2022 को डिसाइड किया गया। इस केस के अंदर फ्रेंड्स जो फैक्ट्स हैं बहुत ही यूनिक हैं, डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स हैं और इस केस को डिस्कस करने का मेन एक लॉजिक ये है कि इस केस में एक सर्कुलर के महत्व को बताया गया है कि जो सर्कुलर है वो खाली एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक बनाने के लिए इशू किया जा सकता है, एसएससी के राइट्स को कटेल करने के लिए सर्कुलर नहीं बनाया जा सकता। इस केस के अंदर एसएससी के अंगेंस्ट सेक्शन 276 सी सबसेक्शन 1 में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया गया और ये जो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया गया ये 29 मार्च 2000 के अंदर किया गया। एसएससी ने इस प्रोसिक्यूशन के अंगेंस्ट कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन सबमिट करी 23 अप्रैल 2021 को। जो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन थी वो 20 साल बाद एसएससी ने फाइल करी। डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर का नंबर है 285/08/2014। इस सर्कुलर के अंदर ये कहा गया कि जो एसएससी है वो अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन जो है वो विद इन 12 मंथ्स जो है वो फाइल कर सकता है जब उसकी कंप्लेंट फाइल की गई। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का सेक्शन है वो सेक्शन जो है वो कहीं पे भी ये नहीं कहता, कोई टाइम लिमिट नहीं बताता कि एसएससी जो है वो अपनी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन जो है वो कब डाल सकता है, कब फाइल कर सकता है। प्रोसिक्यूशन फाइल करने के लिए और कंपाउंडिंग के लिए सेक्शन 279 है। इस केस के अंदर जब एसएससी ने 20 साल बाद अपनी कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करी तो कमिश्नर साहब ने यह कहा कि सर्कुलर जो है वो ये कहता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ्स जो है वो सबमिट करनी है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन जो है वो टाइम बार्ड है और इतने लंबे टाइम के बाद आपकी कंपाउंडिंग के एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और यह कह करके कमिश्नर साहब ने एसएससी की कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन रद्द कर दी, रिजेक्ट कर दी। एसएससी इस रिजेक्शन के अंगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट में गया, सेरिटोरी की रिट फाइल की गई, मैंडमस की रिट फाइल की गई। सेरिटोरी की रिट जो होती है वो बेसिकली उसका मतलब होता है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ ए डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट, कि जो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाए, या मैंडेमस की रिट फाइल करी। मैंडेमस बेसिकली क्या होता है, मैंडेमस ये कहता है मैंडेमस में भी एक कमांड टू डू एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और नॉट टू टेक ए पर्टिकुलर एक्शन, या तो कोई एक्शन ना लिया जाए या कोई एक्शन लिया जाए। इस तरीके की जब हम एक गुहार लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो उसको मैंडेमस की रिट कहते हैं। कोर्ट ने सेक्शन 279 सबसेक्शन 2 का अध्ययन किया और सर्कुलर का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद कोर्ट ने यह पाया कि कहीं पे भी सेक्शन 279 एसएससी के लिए एक टाइम प्रेस्क्राइब नहीं करता कि वो अपनी प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कब सबमिट कर सकता है। लेकिन सर्कुलर के द्वारा सीबीडीटी जो है उसने ये लाया कि एसएससी जो है वो खाली 12 महीने के अंदर एप्लीकेशन अपनी कंपाउंडिंग की डाल सकता है। तो कोर्ट ने यह कहा कि जो सर्कुलर है वो डिपार्टमेंट पे बाध्य है, एसएससी पे बाध्य नहीं है, ये एक जनरल रूल है हम लोग सब जानते हैं। और यह कहा कि जो सर्कुलर है वो प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। जो सेक्शन 279 सेक्शन है उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें यह कहा गया है कि जो सीबीडीटी है वो सर्कुलर ला सकती है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोसिक्यूशन के, लेकिन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, प्रोसिक्यूशन के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आप एसएससी के राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आपको 12 महीने के अंदर एप्लीकेशन
डालनी है। यदि आपको 12 महीने के अंदर लाना है तो आप कानून के अंदर लेके आए, सेक्शन के अंदर लेके आए, सर्कुलर के अंदर आप नहीं ला सकते। तो यह कह करके कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर ने प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है टाइम के बेसिस पर, वो सही नहीं है, उसको रिवर्ट बैक किया और ये कहा कि आप इस एप्लीकेशन को मेरिट्स के ऊपर डिस्पोज ऑफ करो। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इज कंसर्न्ड। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केस को समझने के लिए, जहां पे कहने का मतलब ये हुआ कि एट प्रेजेंट ये सिचुएशन हुई कि यदि डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट इनिशिएट किया है तो आपके लिए कोई टाइम नहीं है कि आप उसकी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करें। यस, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप टाइम को अडेयर करें, 20-20 साल का टाइम, ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है। तो इसलिए इस केस के अंदर को बेस ना लेते हुए हमें अपनी एप्लीकेशन को टाइम से फाइल करना है। इतना 20-20 साल का टाइम जो है, कई बार एक ऐसा होता है कि एसएससी का बहुत अच्छा दिन होता है कि उसको ऐसा जजमेंट मिल जाता है कि कोर्ट ने 20 साल बाद भी जब एसएससी कंपाउंडिंग के लिए गया तो उसको अलाउ कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।